बिग बॉस में हार कर भी जीते ये कंटेस्टेंट कमाए विनर से ज्यादा पैसे। नमस्कार, टीवी के सबसे पॉपुलैरिटी रियलिटी शो बिग बॉस को भारत से लेकर विदेश तक की जनता पसंद करती है। इस शो पर हर साल हमें कुछ ना कुछ मजेदार देखने को मिलता है, तो वहीं इसमें भाग लेने वाले सेलिब्रिटीज भी विवादों में आ ही जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ कि जनता ने किसी को चाहा और शो पर विजेता के रूप में कोई और ही उभर कर आया। लेकिन क्या आपको पता है, बहुत से कंटेस्टेंट के साथ ऐसा भी हुआ, उन्हें शो के विजेताओं से ज्यादा पैसे मिले। आइए आपको बताते हैं। माना जाता है कि रश्मि दोसाई बिग बॉस 13 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंटेस्टेंट थी। यहाँ विनर सिद्धार्थ कुछ शो में रहने के लिए 2.10 करोड़ रुपए दिए गए, तो वहीं रश्मि दोसाई को 2.50 करोड़ रुपए मिले हैं। श्री संत भले ही बिग बॉस 12 के विजेता ना बन पाए हो, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने विनर दीपिका कक्कड़ से ज्यादा कमाई की थी। खबरों के मुताबिक श्री संत को एक हफ्ते के 50 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि दीपिका को 15 लाख रुपए मिले थे। क्रिकेट स्टार और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू को विनर उर्वशी ढोलकिया से ज्यादा पैसे दिए गए थे। माना जाता है कि उर्वशी को हफ्ते के 2.5 लाख और सिद्धू को 6 लाख रुपए दिए गए थे। माना जाता है कि रिमी को घर में थोड़ा एक्शन लाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये शो के विनर प्रिंस नरूला की कमाई से कहीं ज्यादा थी। प्रिंस को एक हफ्ते के 10 लाख रुपए मिले थे। जहां श्वेता तिवारी को बड़ी रकम दी गई, तो उन्होंने इनामी राशि भी जाती है। वहीं खली के इंटरनेशनल एक्सपोजर के चलते हर हफ्ते 50 लाख रुपए के लिए दिए गए थे, जबकि माना जाता है कि श्वेता को हर हफ्ते की कमाई 2.5 लाख रुपए दी गई थी। बिग बॉस 11 में हीना खान। हीना को शुरुआत के 10 हफ्ते बिताने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि शो विनर शिल्पा शिंदे को हर हफ्ते के लिए मात्र 6 लाख रुपए दिए गए। इस हिसाब से तो हीना को पैसों के मामले में ज्यादा फायदा हुआ है। करिश्मा शो की फाइनलिस्ट थी, लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि उन्होंने शो के विजेता गौतम गुलाटी से ज्यादा पैसे कमाए थे। करिश्मा को हर हफ्ते के 10 लाख रुपए मिलते थे, जबकि गौतम को 8 लाख रुपए दिए गए थे। तनिषा को बिग बॉस के घर में रहने के लिए हर हफ्ते के 9.5 लाख रुपए मिले थे, जबकि विनर गोहर खान को हफ्ते के 6 लाख रुपए दिए गए थे। शो की फाइनलिस्ट बानी जे के कुल मिलाकर 1.55 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि शो के विनर मनवीर से कहीं ज्यादा थे। राहुल देव को बिग बॉस के घर में रहने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि शो के विनर मनवीर गुर्जर की कॉमनर होने की वजह से वह बहुत धन राशि मिली थी। पामेला भले ही बिग बॉस के घर में मात्र 3 दिन तक ही रही, लेकिन उनके हॉलीवुड स्टार होने की वजह से उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये रकम राशि के विनर श्वेता तिवारी की इनामी राशि से कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।